जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फिर से एक नए दिन की शुरुआत डे टू के साथ। तो आज डोली जाएगी उखीमठ से अपना गुप्त काशी, ठीक है? तो वो आपको दिखाएंगे। अभी सुबह सुबह मंदिर पहुंच गया हूँ, है ना, और अभी तैयारी हो रही है, खतरनाक है। देखो इधर टेंट वेंट लगा के भी लड़के लोग रहे हैं, है ना। तो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं डोली किस तरीके से जा रही है, कैसे जा रही है। तो भैया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई इधर, खाना पीना जो जाएंगे सब लोग उनके लिए खाना पीना बन रहा है ना। और ये है कुछ ऐसा मंदिर का नज़ारा सुबह सुबह का, है ना। आधे लोग दर्शन कर रहे हैं और आधे लोग डोली की तैयारी में है। चलो भैया, दर्शन मैंने कर लिए और देखो डोली वहाँ पे आ गई है, हो रही डोली। अभी आपको डोली भी दिखाते हैं। ये रहे अपने भैरव देवता मंदिर, देखो ये है अपने भैरव देवता। इधर पंच लिंग है, है ना, और वो ऊपर अपना अष्ट भैरव। डोली के दर्शन कर लो, डोली सजने का तैयारी हो गई है। देखो डोली सज रही है ना, डोली सज रही है, बस अब थोड़ी देर में निकलेगी डोली, 9 बजे करीबन। सजने का तैयारी हो गई है। देखो डोली सज रही है ना, डोली सज रही है, बस अब थोड़ी देर में निकलेगी डोली, 9 बजे करीबन। उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से
देखो भाई डोली डोली नीचे पहुंचने वाली है, सब साथ में जा रहे हैं उसके। देखो कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, कुछ लोग उधर से जा रहे हैं। चलो जी चल रही है अब डोली के साथ साथ, डोली थोड़ा सा आगे पहुंच गई है, डोली के साथ साथ अब गुप्त काशी चले है ना। और गुप्त काशी में आपको डोली के दर्शन कराएंगे, वहाँ है काशी विश्वनाथ मंदिर। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में आज डोली का स्टे होगा रात का, वहाँ पूजा होगी, उसके बाद फिर कल चलेंगे गौरीकुंड से फाटा की तरफ को, है ना। डोली आ रही है, देखो लो जी अपन पहुंच चुके हैं गुप्त काशी, है ना। और यह है गुप्त काशी का नज़ारा, और वहाँ पे कहीं पे है क्या बोलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, जैसा मैंने आपको दिखाया था गेट था ये नज़ारा। बहुत ही प्यारे होटल की लोकेशन मिली है मुझे, देखो यहाँ से पूरा गुप्त काशी और वो उखीमठ पूरा दिख रहा है, यहाँ से आएगी डोली शॉर्टकट 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 सीधे यहाँ पे, है ना। तो होटल ले लिया है और अब डोली के आने का वेट करते हैं, डोली आई जाएगी जल्दी जल्दी। मैंने होटल वालों से पूछा था, मैंने कहा कालीमठ मंदिर जाऊंगा, उन्होंने कालीमठ मंदिर दिन के बाद चले जाना, पहले अपना क्या बोलते यहाँ डोली के दर्शन कर लेना। तो चलो पहले मतलब अभी रूम दिखाता हूँ आपको, यह है रूम मेरा, रूम तो काफ़ी अच्छा है ना। लाइट जला देते हैं, लाइट जल भी रही है, हाँ जल रही लाइट। यह है रूम कुछ ऐसा, रूम तो ठीक ठाक ही है। यह है वॉशरूम, लाइट कम होगी इसकी, यह है लाइट इसकी, यह वॉशरूम है ना। तो रूम यहाँ पे लगभग यात्रा सीज़न हो गया, 1500 का पड़ा मुझे ये रूम, है ना। तो लगभग लगभग 1500 का ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ धन्यवाद। ये मंदिर है काशी विश्वनाथ, अपन काशी विश्वनाथ पहुँच चुके हैं। ये है यहाँ का कुंड, कहते हैं गंगा यमुना, और ये है कुंड, ये है काशी विश्वनाथ। यहीं आई ये भी डोली, है ना, फिर रात को यहीं रहेगी। देखो डोली को यहीं रखा जाएगा, यहाँ पे डोली का स्थान है, उसके बाद अंदर दर्शन कराएंगे, उसके बाद आज विश्राम डोली का यहीं होगा। ये देखो नीचे का नज़ारा, मैं अभी छत पे आ गया हूँ शूट करने के लिए। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, उधर है भोलेनाथ का मंदिर, है ना। ये है इधर से बोलते हैं कि क्या बोलते हैं यमुनोत्री गंगोत्री गंगा यमुना यहाँ से आती हैं, और ये है कुंड, है ना। और अभी मैं हूँ किसी
सा मौसम अचानक ही बदल गया मौसम। देखो बारिश होने लग गई। मैं जैसे ही आया मंदिर से, मंदिर तो आपने देख ही लिया होगा है ना, और डोली भी देख ली होगी आपने, घूम के बिल्कुल सीधा डोली अपने स्थान पे चली गई है ना। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना, डोली यात्रा आपको कैसी लग रही है, आपने मेरा ब्लॉग वन देखा उखीमठ वाला या नहीं देखा, उसके बाद ये गुप्ती काशी वाला, इसके बाद फाटा गौरीकुंड, फिर केदारनाथ वाला। तो ब्लॉग में बने रहना ठीक है, आपको पता चलता रहेगा कैसे कैसे केदारनाथ की डोली उखीमठ से सीधे केदारनाथ को जाती है ना, कहाँ कहाँ पर स्टे लेती है और कितनी भीड़ होती है, क्या क्या होता है, सब कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में ठीक है। अभी मैं आया वहीं से मंदिर अपने, वो डोली अपने स्थान पे चली गई, उसके बाद मैं आया, खाना खुना खाया, उसके बाद देखो अचानक से ही मौसम बदल गया, अचानक से ही मौसम बदल गया देखो। और अगर मौसम ऐसा ही रहा तो केदारनाथ में हो सकता है कि बर्फ़ पड़ जाए केदारनाथ में, अगर ऐसा ही मौसम रहा ठंडा ना, क्योंकि देखो ठंडी हवा चल रही है। और आज सुबह से ही उतनी तेज़ धूप तो चली नहीं थी, तो लग रहा था बारिश होगी, बट बारिश हो ही गई है ना। ये अपना रूम, अपन रूम में आ गए हैं ठीक है। पहले मैं सोच रहा था कि अपना नीचे एक मंदिर है, वहाँ मंदिर भी हो जाऊँ, बट बारिश हो रही है, अब जाना कैसे है ना। तो चलो आपको शाम को मिलते हैं, फिलहाल इस नज़ारे का लुफ्त उठाओ। देखो धुंध धुंध सी हो रखी है थोड़ी सी, अब ये पता नहीं धूल से है किस चीज़ से, पता नहीं किस चीज़ से धुंध धुंध सी हो रखी है। और वो है अपना उखीमठ और ये है अपना गुप्त काशी। दोस्तों ये देखो शाम का व्यू कुछ ऐसा है, उखीमठ गुप्त काशी, उखीमठ गुप्त काशी। ओ बेटा यहाँ देखो कितने भयंकर लंगूर, ओ बेटा लंगूर बैठे हैं यहाँ पे, ओ बेटा बंदर भी है रे यहाँ तो, वो देखो ठीक है, वो भाग गया। तो चलो आज के दिन का अंत करते हैं ठीक है, और कल मिलते हैं आपसे फिर से एक नई सुबह, नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ ठीक है। यहाँ से डोली के साथ चलेंगे सीधा, यहाँ से डोली के साथ चलेंगे सीधा फाटा ठीक है, फिर फाटा से आगे की तरफ को यात्रा स्टार्ट रहेगी। तो ब्लॉग्स पूरे देखना ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है केदारनाथ तक की यात्रा में, डोली की यात्रा, हाय 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 हर हर महादेव, इतना आनंद आ रहा है ना, इतना आनंद आ रहा है, मतलब यात्रा में बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है ना। मेरी तो पहली बार ही डोली की यात्रा है, केदारनाथ तो मैं गया हूँ कई बार है ना, लेकिन जो डोली के साथ वाला फील होता है ना, वो अलग ही फील होता है, बहुत मतलब बहुत मज़ा आ रहा है ना डोली के साथ साथ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से केदारनाथ। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ब्लॉग में बने रहना ठीक है, सारे ब्लॉग्स देखना ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना ठीक है, आईडी इधर आ रही होगी ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने मस्त मस्त रील बना के डाले हैं, मस्त मस्त पोस्ट डाली है ठीक है, देख लेना अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना और यूट्यूब पर तो फॉलो ज़रूर करना ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल फ्रेश ब्लॉग में सुबह सुबह डोली के साथ और आरती के साथ ठीक है। तब तक के लिए टिल देन बाय, मिलते हैं आपसे कल।